सतगुर आयो शरण तुहारी, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा। मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी, लख खुशियां पातशाहियां, ये सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे, निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते, जो जन तुमरी भगत करंते, तिन के काज सवार दे। तुमरी भगत करंते, तिन के काज सवार दे। भगत करन ते तिन के काज सवार दे। Oh,
भगत ग्रंथे यो जन सुमरी 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 भगत ग्रंथे तुमरी भगत करंते जो जन तुमरी भगत करंते जो जन तुमरी भगत करंते तुमरी भगत करंते जो जन तुमरी भगत करंते जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सुवार दे जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सुवार दे जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सुवार का जो जन तुमरी भगत करंते तुमरी भगत करंते तिनके काज जहान वाली श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दे अंदर बड़े प्रेम दे नाल महाराज ने बहुत खुशियां दा समां गुरमुख परिवार नूं भाई हरप्रीत सिंह जी ने महाराज ने बख्शिश किया है। असी परमेश्वर अगे अकाल पुरख अगे ऐसे समय भी प्राप्त होने के वास्ते बेनती करते हैं अरदासा करते हैं परमेश्वर जिन्होंने अकाल पुरख की भगती की उन्होंने परमेश्वर की प्राप्ति हुई। सारे भगत ने मेरी संगत के चरणों में बेनती है उत्ते बदल भी ऐ भरिया खड़ा है महाराज की हजूरी के अंदर आके बस सच्चे पातशाह समा बख्श रहे ने आप बैठो कीर्तन का आनंद माणो। तो ऐसी खेड के अंदर जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता सारे भगतां ने वाहिगुरू अगे अकाल पुरख अगे जिस वेले परमेश्वर की प्राप्ति हुई साधना करदे करदे उन्होंने परमेश्वर अगे अरदासां कीतियां बेनतियां कीतियां आरतियां कीतियां। कितने भगतां दी सैन जी दी भी आरती है। तो जिस वेले तन्ने नूं परमेश्वर की प्राप्ति हुई उन्हां नूं भी परमेश्वर ने आख्या कहिंदे महाराज साडा तो जटां वाला आरता ही है गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करांते तिनके काज सवारता जिहड़े तेरी भगती करदे ने हे वाहिगुरु हे अकाल पुरख तू एक नी दो नी सानूं बचपन तो लैके जे असीं देखिए किन्नियां साडियां मंगां ने परमेश्वर अगे बचपन के अंदर केवल खाण पीण की ज कुछ कढ़ाणियां की मंग होंगी सी ज मैनू वधिया वस्त्र चाहिए ने मैनू आ चाहिए ज्यों ज्यों बड़े होई जाने होर मंगा वधी जांदियां ने मंगना भी मंगो राम ते इकदान मंगना भी इसे दर तो ही है किते होर तो नहीं जाते। तो ऐसी खेड के अंदर गुरमुख परिवार को महाराज ने खुशियां बख्शिया ने सच्चे पातशाह अकाल पुरख कृपा कर दें जिहड़े वाहिगुरु की बंदगी करते ने अकाल पुरख की बंदगी करते ने यह मानस जन्म है जो सानू इस वास्ते प्राप्त होया है भई प्राप्त मानुख दे होरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी वरिया
अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत पाज केवल नाम। केवल नाम आख्या है जेडे बंदगी करदे करदे गोविंद 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 संग नाम दियो मान लेना। आठ दाम को शिपर होयो लाखीना, बुन्ना तन्ना त्याग के प्रीत चरण कबीरा। नीच कुलां जलाहरो पयो गुणी गहीरा, रविदास टवंता टोर नी तिन त्यागी माया। प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया, सैन नाई बुदकारिया ओ कर कर सुनिया। हिरदे वस्या पार ब्रह्म भगता मैं गणिया, ए विद सुन के जाटरो उठ भगती लागा। मिले प्रतख गुसाइया तन्ना वडभागा। अज असी कहने रब तां महसूस करन वाली गल है, रब किसी ने देखिया नहीं है। आम साडे ये अजकल प्रचार चल रहा है, पर जिस वेले असी गुरबाणी नूं पढ़दे आ जे ध्यान नाल पढ़िए, महाराज कहिंदे रविदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया। उन्हें माया त्याग दित्ती, माया तज दित्ती। माया मन तों जिहदे लै जावे उहनूं रब किते दूर नहीं है। रब नहीं गवाचिया। हुणे बौड़ाई दीवान सी, मैं उत्थे भी बोलिया सी, बेनती चरणां च करदे ही रही दे संगत दे। असीं गवाचे हुए हां संसार दे अंदर, रब कोई लभण वाली वस्तु नहीं है। रब नहीं गवाचिया होया है। असीं संसार दे अंदर साडे मन ते जड़ चेतन ज्ञान कह किस्म दी माया पै चुकी है। तो ऐसी खेड दे अंदर तिन त्यागी माया प्रगट होया। साध संग, साध संगत की है? असीं जिस वेले परमेश्वर दा नाम जपदे आ बैठ के, ये बाणी सारी साधुआं ने रची है, गुरुआं ने रची है। साधु संग सिखायो नाम, रब दे प्यारे सानू नाम जपण दीआं जुगतियां दसदे ने। बाणी बार बार कह रही है, रविदास टवंता टोरनी तिन त्यागी माया। प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया, उन्होंने हरी दा दर्शन पाया है। चार भगतां नूं जिस वेले प्राप्ति होगी, ये बिद सुन के जट रहो उठ भगती लागा। तन्ने दे मन च वी कहिंदे शौक पैदा हो गया, वह भगती करन लग गया। जिहड़ा भी भगती करदा है उहनूं अवश्यमें प्राप्ति हुंदी है। उठ भगती लागा मिले प्रतख गुसाइया, रब प्रतख मिलदा प्रतख। मिले प्रतख गुसाइया तन्ना वड भागा, जिहनूं रब मिल जे उहदे वड्डे भाग हुंदे ने। पर कद होए वड्डे भाग? शुरू कित्थों करदे ने? गोविंद 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 की परमेश्वर दे, जिन्हां ने श्वास श्वास सब दे अंदर गेड़ा चलदा साडे अंदर श्वास दा। जिहड़ा कोई आपदे गुरु पीरां तों कोई शब्द प्राप्त होया है, जिवें असीं अमृत छकदे हाँ, सानू पंज प्यारे मूल मंत्र गुरमंत्र जपण दा आदेश करदे ने। हुण असीं जे ना जपीए फिर असीं कहिंदे आ सानूं प्राप्ति नहीं हुंदी। किसी वैद हकीम दी दवाई नूं लिया के असीं आपदी अलमारी विच रख दईए, ब्रीव केस च रख दईए, उहनूं खाइए ना। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। आहा, तूं बाणी नूं पढ़िया तां करना, बाणी सुनिया कर, तू सिमरन करिया कर बह के। जे तू सिमरन करेगा गोविंद गोविंद गोविंद, जिन्हां ने आए लीन हो गए उहदे अंदर जपदे जपदे, गोविंद 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 संग नाम दियो मन लीना। मन उहनां दा लीन हो गया है। साडा मन संसार दे अंदर लीन होया पिया है, पर जिन्हां ते किरपा होगी, गुर किरपा जै नरको की नी तै ए जुगत पछानी, उहनां नूं ए जुगत दा पता लग जांदा है। साथ साथ सिमरो गोविंद। असीं कहिंदे आ दोते दो तां चार ही हुंदे ने, बार बार सिमरन करन दा की फायदा है? पंचम पातशाह महाराज नूं भाई गुरदास जी ने बिनय कीती, बेनती कीती, पातशाह किन्नी क बार नाम जपना चाहीदा जीव नूं? मामा जी लगदे सी भावें रिश्तेदारी वजों। महाराज कहिंदे भाई गुरदास बारंबार बार प्रभ जपी है। जिहड़े बार बार जपणगे उहनां नूं की मिलेगा? जिहड़े जपदे ने, जे कोई नाम जपेगा उहनूं की मिलेगा?
ਉਹਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਐਂ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਏ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਲਪਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਡਭਾਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੀ ਲੈ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਗਦੇ, 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਗਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਗਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਗਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚਰਨੇ ਵਗਦੇ, 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚਰਨੇ ਵਗਦੇ। ਕੀ ਲੈ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚਰਨੇ, ਉਹ ਪੀ ਲੈ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚਰਨੇ ਵਗਦੇ, ਪੀ ਲੈ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚਰਨੇ ਵਗਦੇ, ਪੀ ਲੈ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚਰਨੇ ਵਗਦੇ, ਪੀ ਲੈ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚਰਨੇ ਵਗਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਲਵਲੀਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਮਨ ਲੀਨਾ, ਕਿਤੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ। ਕਿਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੀ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਗੋਠਾ ਕਿਤੇ, ਮੋਢਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਘੜੀ ਕੰਨੀਏ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਦ ਹਟਣਗੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹਜੇ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 18 ਕੁਣੀਆਂ ਸੈਨਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਥਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਰਿਪਜੀਤੇ ਸਭ ਰਿਪਜੀਤੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਅਰਜਨ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਆ, ਜੋ ਦੇਦਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਕਲਪੋ ਵਿਕਲਪੋ ਹੀ ਮਨੰ, ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ? ਜੈਸਾ ਖਾਈਏ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਹੋਵੇ ਮਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਛਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਵੇਕੀ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਾਂਕੀ ਰਹਿਤ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਤਿਨਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਏ ਕੇ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ। ਅੰਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਛਕਾਂਗੇ ਵੈਸਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਚੜ ਗਈ, ਮਸਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧੂ, ਦਾਨੇ, ਦੀਵਾਨੇ ਅਤੇ ਮਸਤਾਨੇ। ਮਸਤੀ ਦੀਵਾਨੇ ਔਰ ਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਸਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨੇ ਸਾਧੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਂ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੱਥ ਹੂਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੰਘ ਜਾਣੀ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ ਜਦ ਆਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਿਆ? ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਜੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 9 ਮੰਦਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ 8 ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀਤ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਕਰੇਂਗਾ ਕੀ? ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹਸਤ ਖੇਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੇਹਰੇ ਆਇਆ ਜੋੜਾ। ਐਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਸੁਖੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ 2-3 ਕੁ ਸੂਟ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ 50-60 ਸੂਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਪਰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਐਂ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਐਂ ਆਪਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਪਰਨੇ ਦੇ ਲੜ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਨੇ ਦੇ ਲੜ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਂਸੀਆਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ, ਮਸਤੀ ਚੜ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਬੇਸੁੱਧ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਊਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਜੋੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਐਂ ਜੋੜਾ ਹੀ ਖਿੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਹਰੇ ਨੂੰ ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮ ਪਗਰ ਉਠਾਇਆ, ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ, ਛੀਪੈ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਲੈ ਕਮਲੀ ਚਲਿਓ ਪਲਟਾਏ ਦੇਹਰੇ ਪਾਛੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰਗੁਣ ਉਚਰੇ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ। ਬਸ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤੋ ਐਸੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਦੂਜੀ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਜੋੜੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋੜੇ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੱਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸੀ ਮਾਰੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਐਂ ਪਕੜ ਕੇ, ਆਹਾ ਹਾ ਬਗਾ ਕੇ, ਕੈਸੀ ਦਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਤੱਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸੀ ਮਾਰੇ,
करके सके नाम देव नू सिमारे द्योरे दाग मान करके सके नाम देव नू सिमारे सके नाम देव नूती मार जोरे दाग मान करके प्यारे जी जोरे दाग मान करके मेरे प्यारे जोरे दाग मान करके प्यारे जोरे दाग मान करके प्यारे जी जोरे दाग मान करके प्यारे जी जोरे दाग मान करके प्यारे जी जोरे दाग मान सके नाम देव नू मारे 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 नाम देव नू सिमारे जोरे दाग मान करके सके नाम देव नू सिमारे जोरे दाग मान करके सके नाम सके नाम देव नू सिमारे जिस वेले तके बजे पिछे जाके आए सिटे आए जल आ गया नेत्र 72 दफा नामदेव जी नू भगवान ने सकार रूप च दर्शन दिते 72 दफा फिर 72वीं दफा तक कहते हुण तेरे और मेरे च फर्क ही नहीं रह गया जिवें बूंद समुंदर दे अंदर मिल जाती है उस समुंदर दा रूप हो जाती है तो ऐसी खेड दे अंदर जद बैठे ने नामदेव जी रब परमेश्वर अपने भगतों का कित्थे दुख सहारदे ने बस जिवें दिल्ली दे अंदर किन्ना कुछ होया भगतां दे नाल कि गऊ जिउंदी गरड़ चढ़े गोविंद आएगा ऐ आ गई चतुर्भुजी भगवान सामने खड़ गया कि कहिंदे नामदेव दस की गल है कहिंदे महाराज मैं एक भगती करदा तुहाडी कीर्तन करदा मैनू एकण धक्के पै रहे ने जिहड़े भगती नहीं करदे तेरा नाम नहीं लैंदे उहनां दा की हाल होवेगा मेरे आ हाल होए पए ने हे भगवान हे परमेश्वर दुनिया किस विद जीवेगी दुनिया किस विद जीवेगी दुनिया किस विद जीवेगी
वेद जीवेगी, दुनिया किस 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 वेद जीवेगी। परमेश्वर हे अकाल पुरख, दुनिया ने तेनू मंदरां दे अंदर टोलिया, मस्जिदां गुरुद्वारियां दे अंदर टोलिया, पर तू रहना कित्थे है? आहा, सारे मंदर नू छड़ के अपने भगत दे कोल खड़े ने। मैं कोई गलती तो कीती नहीं है, हसत खेलत तेरे देहुरे आया, भगत करत नमा बकर उठा, मैनू भगती कर दे की हो गया, जे मैं गरीब बरादरी दे अंदरों आ, कोई जमना किसी बस की गल तो है नहीं भी मैं ये घर जन्म लूंगा। हीनड़ी जात, हीनड़ी जात मेरी जात राया, छिपे के जन्म काहे को आया। हे भगवान किरपा कर दे, कहिंदे की चाहुंदे, दस नामदेव की चाहुंदे, कहिंदे चाहुंदा तां इही आ, हुण दिओरे दा मुख इधर नूं कर दिओ, कहिंदे तेरे कन्नी नूं, कहिंदे नहीं तेरे कन्नी नूं, जिधर नूं तूं खड़ा है भगवान इत्थे मेरी नहीं है गल, इत्थे गल तेरी होई है। आहा, उसी वेले भगवान ने कहंदे फिर गुण गा। आसा जी दी वार दे 24वें छक्के तो पहला ये शब्द पढ़ते ने प्रेमी, आए मंदिर घूमना शुरू हो गया, जेड़े बिच बैठे ब्राह्मण आप किते ढोलकियां किते घंटियां किते ऐ रुड़ते फिरते ने, कहते हो की गया, ज्यों ज्यों नामा हर गुणी उचरे, 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 ज्यों ज्यों नामा जना को देहुरा फिरे, भगत 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 जना को देहुरा फिरे। तो उसी वेले ऐसी खेड़ दे अंदर जद मंदिर उधर नूं घूमिया, सारे ब्राह्मण बाहर निकले, नामदेव जी बैठे ने, कहिंदे ये गल की होगी, नामदेव जी कहिंदे हले पता ही नहीं लग्या, रुड़दे फिरदे उनाले। तो उदू बाद रंग के बंके की कथा भी, तो ऐसी खेड़ दे अंदर भगतां ने रब नूं बस दे अंदर कर लिया है, उन्होंने बसी पूत हो जाता है, जो जो भगत मुख है ते बोल दे से बचन हवंदे, वो बचन पूरे हुंदे ने, जो भी भगत लोग अपने मुख तो बोलते ने। नाना जी बामदेव सी, नामदेव जी दे नाना जी का नौ कहते नामदेव,
कोई छपरी बन हो। गुरमुख परिवार ने किन्ना सुंदर मकान कोठी महल वर्गी महाराज ने बख्शिश की है, मन खुश हो गया। तो ऐसी खेड के अंदर जब नामदेव जी की छपरी बनने वास्ते 20 रुपये ही दते ने, अगे साधु मिल पे, उन्होंने साधुओं वो पैसों का भोजन छकाया है। हुण कहिंदे की करिए, हुण कारीगर वह भी पैसे मंगू, समान भी पैसों का, मैं तो साधुओं से ये पैसे सेवा विच लाया है। तो की खेड वरतदी है, नामदेव जी बैठे ने भी हुण घर किवें जावां, घर जावां घर दे पुछणगे तू समान नहीं लैके आया, कारीगर नहीं लैके आया। फिर जब कोई तन मन तन गुरु नूं भेटा कर दिंदा, अर्पण कर दिंदा है, वो परमेशर जे उहदे ते बिकदे आ उहनूं भी ला जाए कोई। उस ही वेले फिर कारीगर दा रूप धार लिया, घर आ गई, आ के दसो कित्थे छपरी, ऐसी छपरी बन दित्ती। छपरियां तो दुनिया दी ने, बस्तां टूटी चौंपड़ी चीर सब छिना, पर उस छपरी दे अंदरों एक नूर बर रहा है। नूर वो हैरान ने सारे भी रातों रात एक इन्नी छपरी सुंदर बनी किवें गई। फिर एक गुआंढण पुछदी है, कहण लगी नामदेव ये छपरी तैं बनाई कित्थों है, सारे चर्चे हो गए इन्नी सुंदर छपरी। ये महाराष्ट्र दी बोली है, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, हे नामदेव ये छपरी ते कित्थों बनवाई है। जब देखी नामदेव जी ने आके छपरी, हे परमेशर आह तेतों बिना कार्ज कौन कर सकता है, मैं तो सारे माया साधुओं को भोजन छकाया सी, पर जो जन तुमरी भगत करंते जेडे सेवा करते ने सिमरन करते ने उन्होंने कार्ज वाहिगुरु रास करता है। तो उस वेले वो गुआंढण ने देखा नामदेव जी भी परमेश्वर का, अच्छा वाहिगुरु तेरा शुक्र है। इंसान नूं परमेश्वर दे दत्ते ते शुक्र करना चाहिए, बेशुक्रिया कदे ना शुक्र किया। आसा त्रिशना सगो बधाई जाने, तू तो आया सी नाम तन खटने नूं पूंजी, पिछली भी सगों गवाई जाने। तो उस वेले एक गुआंढण फिर पुछदी है, भगत जी मैं इन्नी सुंदर छपरी सारे शहर विच नहीं है किसी दी, पड़ पड़ोसन पूछ लेना मैं कापे छान सवाई हो, ऐ छपरी ते बनवाई कितों है। ओ सच दसी भगता कीने बनी है छपरी जो नूर बरसे, सच दसी भगता कीने बनी है छपरी जो नूर बरसे, छपरी जो नूर बरसे, सच दसी भगता कीने बनी है, छपरी जो नूर बरसे, सच दसी कीने बनी है, छपरी जो नूर बरसे। Oh,
सच दसी भगता सच तो दस दे पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा की पुछदी है गवांढण सवाल जवाब होंदे ने पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा का पहचान छबाई हो हे नाम दे इस छपरी ते कित्थों बनवाई है मैनू भी दस दे मैनू भी वो कारीगर बेड़ी दस दे की कहंदे हे माता मैं की दसा पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा का पहचान शिवाई हो तो पे दुगनी मजदूरी देवो हे नामदेव मैं ते तो दुगनी मजदूरी दे देवांगी मैनू भी ऐसी छपरी तू बनवा दे ते तो दुगनी मजदूरी दे दूं एहो जी बना दे छपरी है नामदेव तू मैनू भी ओ ते तो दुगनी मजदूरी दे तो पे दुगनी मजदूरी देवो मैं ते तो दुगनी मजदूरी दे देंगी मैनू भी एहो जी छपरी चुप कर गई कहंदी नामदेव की गल बोलदा काते नहीं कहंदे माता भेद खुल जाएगा भेद हुण मैं की दसा तैनू कहंदी नहीं दस तां सही कहंदे इस छपरी नूं परमेश्वर दे हाथ लगे ने अकाल पुरख दे हाथ लगे हुए ने ये किसी बंदे ने नहीं बनाई है। अच्छा की गल हो मैं तो साधुओं नूं भोजन छकाया जो करो पैसे मिले ये छपरी परमेश्वर ने ना कुछ किया ना करेंगे जिवें कबीर साहब ने आख्या है ना कर सके शरीर क्या जानो कुछ हर किया पयो कबीर कबीर हो रही है तन कबीर हो रही है पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा का पहचान छवाई हो तो पे दुगनी मजूरी देवो मोको बेडी देहो बताई हो अरी भाई बेडी देन ना जाई कहंदे फिर किवें की दसा वो पैसे टकियां दा भुखा नहीं है वो जिहड़ा बेडी है वो कारीगर है आहा हे माता वो की मंगदा है प्रीत मजूरी मंगदे बेडी प्रीत मजूरी मंगदे बेडी प्रीत मजूरी मंगदे बेटी प्रीत मजूरी
हरी बाई बेड़ी देण न जाई देख बेड़ी रिहा समाई बेड़ी प्रीत मजूरी मांगे जे को छान छवावे हो वो एम पैसे टकें दा भुखा नहीं है। बाणी दे अंदर कैसे कैसे वचन आउंदे ने इन्हां दा भगत नामदेव जी दा करम सी चंदे ठाकां और बस्तर उत्थे जांदे ने पंड चकी है काम भी कीता भगतां ने किसी वेले नूं रब नहीं मिलिया है। 15 भगतां दी बाणी आउंदे सारे किरती होए ने ये ठीक है। जब फिर वो मंजिल बन गई उत्थे करम दी कोई लोड़ नहीं रह जांदी ऐसा भी जीवन बन जाया करदे। बाद विच तो मन दे अंदर एक ख्याल आया कहिंदे हे परमेश्वर जे तू मैनूं कोई घोड़ी दे दे मैं आ सिर ते पंड चक्की जाना बसां ही फुरना कीता है। की देखिया दूसरे दिन तुरे जांदे ने सामने एक पठान आ गया। जद पठान आया वो आके की कहिंदे नामदेव मेरी घोड़ी सूई है आ बछेरी चक उहदा तप तेज इन्ना है उहदे मूहरे जवाब नहीं दे हुंदा अवतारी शक्ति है ऐ चक लिया मोढ़ियां ते भगवान नूं आख्या हे भगवान मैं तां घोड़ी ते तों चढ़न वास्ते मंगी सी भी मैं चढ़ के जाया करा नीचे को मांगी उपर को दीनी तैं तां मैनूं घोड़ी ऐ मेरे सिर ते बहा दित्ती। कहिंदे इहनूं नौ मेरा किवें पता लग गया कौन है तूं बाणी च गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द आउंदा है ज्ञानी जी बाबा जी बैठे ने खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के बंगोल तू है कौन। रोब भी आवदियां ते मारिया जांदा दूआ कोई चलदा नहीं हुंदा बोलो सतनाम दूए ते मार के देखो तो रोब किसे दे तुसी चलदा कोई जे कोई जोर है किसी आपदे ते कोई जोर हुंदा तां कुछ किसे नूं कहा जांदा गुआंढी नूं नहीं कोई कुछ कहण जांदा हुंदा। जे असी किसे नूं आपदा समझदे आ कुछ मन दे अंदर थां हुंदी है तां कुछ कहा जांदा। कहिंदे चक चक बछेरी तेज तुर टौरा छड्डिया तू दस तां दे है कौन। दस तां दे खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे तेरे बोल खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल तेरी पगड़ी वो दस्तार कैसी सजाई है और तेरा बोल कितना मीठा है। द्वारका नगरी कहते मैं बछेरी तो चक्की जाना मैनू दस्तां दे तू है कौन। ये तीर्थ यात्रा विच सी कहिंदे नामदेव तैनू सामने दीदी नहीं है मेरी द्वारका नगरी द्वारका नगरी काहे के बोलो द्वारका नगरी है खूब तेरी पगड़ी है मीठे तेरे बोल
मैनू पहला ही शक पै गया इन्ना मिठा बोल किसी संसारी बंदे का हो नहीं सकता है। ये किसी होर देश चो आई हुई आत्मा है। बोल दे आकाशवाणी ब्रह्म विचार तेरा सजया रहे जुग जुग स्वामी सच्चा दरबार तेरा। बस उसी वेले आए बंजली आले प्रगट हो गए की कहंदे ओ मिठे बोल प्रीत मां तेरे श्याणले सी नाम देव ने मिठे बोल प्रीत मां तेरे श्याणले सी नाम देव ने मिठे बोल फकीरा तेरे जानले सी नाम देव ने मिठे बोल फकीरा तेरे जानले सी नाम देव ने मिठे बोल जानले सी प्रीतमा तेरे सियाण ले सी नाम देव ने उस वेले कहंदे तैनू ऐ बुकल च लै लिया ही नाम देव मैं उही हाँ जिन्हू तू याद करदा है। बोलो सतनाम किन्हां दे कम करदा परमेश्वर पहला भी करदा सी हुण भी करदा अगे नू भी करदा रहेगा। गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करांते तिनके काज सवारता। उन्हां दे काज परमेश्वर अकाल पुरख हमेशा ही सवारदा आउंदा है सवारदा आ रहा है अगे नू भी सवारदा रहेगा। हुण दत्ता समा भी पूरा हो चुकिया है और थोड़ी जी मौसम दा भी है भी समय सिर सारा प्रोग्राम है जिहड़ा महाराज कारजरास करन घंटा सवा घंटा कीर्तन हुंदे नू हो गया। बाबा जी उंगली खड़ी करदे ने भी इक शब्द होर पढ़ दिओ। बोलो सतनाम तो आओ बड़ी प्रेम दे अंदर गोविंद 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 संग नाम दियो। कोई ना 5-7 मिनट होर ला दें नाम दियो मन लीना आड़ दाम को शीप्रो होयो लखीना। तो ऐसी खेड़ दे अंदर फिर इन्हां भगतां दे कारज परमेश्वर पहला भी रास करदा सी हुण भी रास करदा है ते अगे नू भी रास करदा रहेगा करदा ही आउंदा है। किन्हां दे धन गुरु नानक पातशाह महाराज कश्मीर दे अंदर चले गए। जद कश्मीर गए उत्थे शाम नू संध्या दा समय तो एक बालक सर्दी दा मौसम सी पूरा जिवें आ हुण पोह माघ आ जाणे ने अगे तो सर्दी दे मौसम दे अंदर उत्थे सर्दी दे मौसम च धन गुरु नानक पातशाह महाराज सजे ने
एक छोटे जे 14-15 साल के बालक ने गुरु नानक पातशाह का दीदार कर लिया, खेत में काम करते ने, जब दर्शन किया मन निहाल हो गया, क्योंकि संसार दे नालों तां कुछ राम नितनेमी बंदगी करन वाला जिहड़ा उहदे चेहरे का फर्क हुंदा है, वह तो अकाल पुरख है, गुरु नानक परमेश्वर है। तो उत्थे फिर की खेल वरतदा है, की कौतक होया। शाम नूं वह बच्चा पुछण लग्या, महाराज तुसीं कित्थे रहोगे, मेरे घर चलो। प्रेम दी खेड है, जिन्हों प्रेम होवे, जे प्रेम होवे फिर आए सोचीदे भी इहनूं मैं सुख देवां, किसी लोट किते इहनूं दुख ना हो जाए कोई। तो कहण लगे महाराज, कहिंदे बच्चा इत्थे असीं रहांगे, साडा तां रोइयां दे नाल ही बाह वास्ता है। कहिंदा महाराज तुसीं मेरे घर चलो। महाराज कहिंदे कोई ना, अज इत्थे ही विश्राम करना है असीं हले। कहिंदे पातशाह मैं फिर बिस्तरे लियाउणा तुहाडे वास्ते, तुस तां ठंड बहुत ज्यादा है। सत्थर तेरा लेप निहाली पाओ तेरा भगवान, भगवान नानक सिफती रजिया तू आओ बहो सुल्तान। हे सच्चे पातशाह कृपा कर दिओ, मेहर कर दिओ, मेरा दे घर विच आ जाओ। तीन लोक दे मालक धन गुरु नानक पातशाह महाराज कहण लगे उस बालक नूं, वो कहिंदा फिर जे तुसीं नहीं जांदे जांदा मैं भी नहीं हाँ। तो उन्हें बाबा जी इधर अगे आके बैठ जाओ, महापुरुष ने इतने बिठा लिया। तो ऐसी खेड के अंदर साधुओं का सदा ही सत्कार है, बंदगी करने वाले का। तो धन गुरु नानक पातशाह महाराज ने जब सुल्तान कहा, भाई मरदाना जी कहण लगे पातशाह तुसी की गल किवें। महाराज कहिंदे दिन चढ़दे नूं सूरज चढ़न सारे नूं असीं सुल्तान बना देना है। तो ऐसी ओह खेड, ओह बालक भी उत्थे रह पिया, रात नूं गया नहीं है। महाराज कहिंदे ऐ बालकिया, तीन लोक दे मालक कश्मीर दे अंदर धन गुरु नानक पातशाह महाराज, ओह बालक इक गरीब घर दा बच्चा है, पर परमेश्वर वो भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, उन्हां दी मौज है, उन्होंने किसे तो की कराउणा है। ऐ बच्चा जद रात्रि उत्थी रहा, उन्हें भी ओकनी टाइम कटिया दरख्तां दे हेठ, अमृत वेले आसा जी दी वार लगी, नमस्कार करी जान लग्या। महाराज कहिंदे जा बच्चिया, जाके बह जा तख्तां ते, 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 बह जा तख्तां ते, जाके बह जा तख्तां, जाके बह जा तख्तां ते, जाके बह जा तख्तां ते, राजी उड़ीकां करदे, तेरिया 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 राजी उड़ीकां करदे, रात नूं जिहड़ा राजा सी उत्थे दा उह आदे शरीर चों प्राण वियोग हो गया, उहदे पुत्र है नहीं सी। कहिंदा अमृत वेले
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਊਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਲਕ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਜੈ ਹੋਵੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਹਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਲਿਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਇਆ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਜਵਿਨ ਕੌਮਨ ਕਰੇ ਗਰੀਬਨ ਬਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੋਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਜਵਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੋਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਹਾਇਆ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆ ਕੌਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਹਦਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਵੇ ਦਿਆਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਵੇ ਦਿਆਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਵੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਵੇ ਦਿਆਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ। ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਵਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰਜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਹੁਕਮ ਦਿਵੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਮਹੱਲ ਵਰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ
ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਇਤਫਾਕ ਇਕਣੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੋ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਮੁੰਡਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਜੀ ਲਿਆ ਹੱਦ ਵਾਜੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸੁਬਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਪ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੁੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਦਲਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਜਦ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਜਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਸਭ ਪੈ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸੁਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਦਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸਪਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆ ਪੰਚ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਪਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਸਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਲਹਿਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਸ ਮਹਤ ਦਿਸ ਰਾਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਚ ਧਰਮ ਆਪਣੀ
जगत काल नानक ते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।